मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं ऐसे पैटर्न वाली प्लेलिस्ट बना रहा हूँ तुम जाके जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो मैंने ऑलरेडी दो पैटर्न करवाया है राइट मैंने बटरफ्लाई सिंगल ज्वाइन डबल ज्वाइन किया है बट अगर तुम्हें ये वाला पैटर्न नहीं आता है तो तुम इस वीडियो को मत देखो क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला है और मैं इस वीडियो में ब्लीप डिस्कशन नहीं करने वाला मतलब कैसे मैंने लॉजिक बिल्ड किया मैं बस सिंपली उस वाली वीडियो के लॉजिक उठाऊंगा और इस वाली वीडियो में इस वाली पैटर्न पर इम्प्लीमेंट कर दूंगा ठीक है तो हालो बटरफ्लाई क्या होता है तुम देख सकते हो तो इसमें हॉलो नहीं है राइट इसमें हम हॉलो तैयार करते हैं देखो इधर मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूं ठीक है ऐसे करके देखो एक हॉलो बन गया राइट तो हमें प्रिंट करवाना है ए वाला पैटर्न समझ में आया है राइट और ए वाला जो पैटर्न है ए वाला पैटर्न सिमिलर सा है ए वाला पैटर्न के जैसा बस हमें जो फाइन करना है लॉजिक वो है इसमें हॉलो कैसे बनाया जाए अगर ए वाला हॉलो आ जाता है तो ए वाला पैटर्न से हम इस वाली पैटर्न पे कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये जो मैंने पैटर्न कराया था तुम देख सकते हो पैटर्न हापीर पिरामिड वाला पैटर्न है राइट अब तुम बोलोगे कि भैया हाफ पिरामिड कैसे बनता है तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला लगभग पांच वीडियो से मैं हाँ समझ में आ गया होगा और ए वन से फाइव तक जाएगा वन से आई प्लस वन तक जाएगा पाइथन में ऐसा एंड चाभा में ऐसा अब तुम बोलोगे भैया फोर्थ तक क्यों क्योंकि भैया इधर वन टू थ्री फोर टोटल फोर रो है एंड कॉलम क्यून से आई तक तुम अगर इसको वन बोलते हो इसको अगर वन टू ऐसा बोलते हो वन टू थ्री मतलब वाला वाला स्टार है, one, इधर two, है, तो ए वाला स्टार है 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 इधर ब्लैंक स्पेस ठीक तो तो राइट इसको भी मैं हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ तो वन टू वन थ्री एंड वन फोर राइट तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए अगर आई है ए अगर आई है और ए अगर जे है तो मैं इधर बोल सकता हूँ कि जे वन टू थ्री फोर फोर मतलब क्या है अभी फोर क्या है आई राइट right? वन से आई तक जाएगा इधर आई देख सकते हो आई क्या है वन इधर आई क्या है आई टू नंबर रूप है आई क्या टू राइट और वन से टू तक जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉलम वाला बंदा है वो वन से आई तक जाएगा ये मैंने बहुत बार बोला है तुम जाके देख सकते हो कि जब हाफ पिरामिड वाला पैटर्न होता है तब ऐसा एक लॉजिक बनता है तो तुम ऐसे लॉजिक के साथ ए वाला पैटर्न प्रिंट करवा सकते हो ओके okay, क्लियर हो गया अब तुम बोलोगे भैया अगर ऐसा स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाता है तो मैं इस स्पेस को कैसे प्रिंट करवाऊंगा मतलब इसके अंदर जो स्पेस है उसे कैसे प्रिंट करवाया जाए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है मैं बता देता हूँ तुम इसको एनालाइज करो मतलब जो कॉलम वाली स्टार है उसको एनालाइज करो पहले था वन देन इसको मैं बोल सकता हूँ वन इसको मैं टू बोल सकता हूँ इसको बोल सकता हूँ वन इसको मैं बोल सकता हूँ थ्री इसको वन और इसको फोर राइट right? मतलब फोर नंबर कॉलम पे ए वाला स्टार है थ्री नंबर कॉलम पे ए वाला स्टार है टू नंबर कॉलम में ए वाला स्टार है एंड वन नंबर कॉलम पे ए वाला स्टार है तो मेरा जो सेकेंड फॉल्यू है पहले चल रहा है वन से वन तक राइट right? इसके बाद चल रहा है वन से टू तक राइट right? अब फिर से चल रहा है वन से थ्री तक राइट right? इसके बाद चल रहा है वन से फोर तक और ये जो वन टू थ्री फोर है ए वाला बंदा है आई राइट right? ए वाला बंदा है आई अब तुम अगर नोटिस करोगे तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ भैया ये जो स्टार है ना ये जो स्टार है ए ऑलवेज़ वन पे प्रिंट हो रहा है राइट ए ऑलवेज वन पे प्रिंट हो रहा है तो एक काम करते हैं हम इधर लिख देंगे इफ अगर किसी भी जगह जे इज इक्वल टू इज टू वन हो जाता है तब स्टार प्रिंट कर दो ठीक है क्योंकि तुम देख सकते हो वन वन वाली कॉलम पे ऑलवेज स्टार प्रिंट हो रहा है राइट right? बट तुम जब इसको एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वन नंबर कॉलम टू नंबर कॉलम थ्री नंबर कॉलम एंड फोर नंबर कॉलम पे ही ओनली स्टार प्रिंट हुआ है देख सकते हो टू नंबर कॉलम थ्री नंबर कॉलम और इधर कोई स्टार नहीं प्रिंट हुआ है इधर कोई स्टार नहीं प्रिंट हुआ है राइट right? तो ओनली टू थ्री फोर और वन टू थ्री फोर क्या है? आई है राइट right? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर जे इजकल टू वन होता है एंड जे इज इक्वल टू आई होता है मतलब जे इज इक्वल टू आई जब होगा तब स्टार प्रिंट करना अगर ऐसा नहीं है तो इल्स पार्ट पे तुम स्पेस प्रिंट कर दो राइट बहुत सिंपल था अगर वन आ जाता है तो स्टार प्रिंट कर दो और अगर वन टू थ्री फोर आ जाता है तो स्टार प्रिंट कर दो और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इल्स पार्ट पे तुम स्पेस प्रिंट कर दो तो ए वाला पैटर्न आ जाएगा अब तुम बोलोगे भैया इसमें जो स्पेस है ये वाला स्पेस कैसे प्रिंट होगा मैं बोलूंगा कि भैया मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है तुम जाके वो वाला वीडियो देख लो किसी भी वीडियो देख लो ठीक है जो बटरफ्लाई वाला पैटर्न है किसी भी वीडियो देख लो उसमें तुम्हें ए वाला पैटर्न के जो लॉजिक है वो मिल जाएगा मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया है ट्वेंटी सिक्स मिनट एंड ट्वेंटी नाइन मिनट्स के वीडियो है तुम जाके देखो समझ में आ जाएगा मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला टू इन रो माइनस आई है स्पेस के लॉजिक ये कैसे मिला था जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो मैंने बताया था और कैसे मैं लॉजिक को सोचने वाला हूँ वो भी मैंने बताया था तो क्या होगा तुम स्क्रैच से सीख पाओगे कि कैसे ए वाला लॉजिक बिल्ड किया जाए तो मैं फिर से नहीं बताने वाला तो ए वाला अगर आ जाता है स्पेस इसके बाद तुम क्या करोगे इसको प्रिंट करोगे राइट ए वाला लॉजिक कैसे मिलेगा मुझे रो पता है राइट मुझे रो पता है तो मैं फिर से रो को डिक्लेयर नहीं करने वाला मैं बस कॉलम को करूंगा तो तुम देख सकते हो तो ए वाला कॉलम से फोर तक हो रहा है तो ए भी से फोर्थ तक होगा राइट वन से फोर्थ तक तो मैं बस इसको रेप्लीकेट कर दूंगा ए भी मैंने जो डबल ज्वाइन वाली बटरफ्लाई पैटर्न कराया था उसमें डिस्कस किया है तो तुम जाके वो देख सकते हो तो कि मैंने इसको बस रेप्लीकेट किया था राइट इसके बाद मैं क्या करूंगा इसको बस रिवर्स कर दूंगा ठीक है इसको बस रिवर्स कर दूंगा तो ये वाला पैटर्न आ जाएगा इसको कैसे रिवर्स करेंगे जो फॉल लूप वन से फोर तक जा रहा था मैं बस इसको फोर थ्री टू वन ऐसे प्रिंट करवा दूंगा राइट डिक्रीसिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा दूंगा ऐसा करके हो जाएगा ये भी मैंने बता रखा रह है कि कैसे प्रिंट होगा और स्टार जो प्रिंट होता है वो ऐसे प्रिंट होता है स्टार देन स्पेस देन स्टार देन डबल स्टार देन स्पेस ऐसे प्रिंट होता है राइट तो ए भी मैंने डिस्कस किया है तो तुम जाके देख सकते हो बस हम क्या करेंगे उस वाली कोड को कॉपी करेंगे और इस वाली पार्ट को जो ई वाला पार्ट है उसको बस इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे मैंने बस इसको रिविजन के लिए कराया है राइट तो अगर लॉजिक समझ में आ जाता है तो तुम ए वाला पैटर्न तो ऐसे खुद से कर लोगे ठीक है तो चलो करके देखते हैं कोडिंग तो कोड करना बहुत सिंपल है तो मैं क्या करने वाला इधर जो मैंने बटरफ्लाई पैटर्न टाइप वन मतलब जो डबल जॉइंट वाली पैटर्न करवाया था उसको ओपन कर लिया मैंने ओके ओपन हो गया अब तुम इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कोड है ठीक है इस कोड को ओपन कर लो तो मैंने इस कोड को भी ओपन कर लिया तो तुम देख सकते हो इधर जो मैंने प्रॉब्लम कराया है वो है इसके अंदर तुम देख सकते पाओगे इधर बटरफ्लाई पैटर्न विथ डबल जॉइंट है इस पर क्लिक कर लो आ गया राइट इस पर तुम देख सकते हो जावा वाली प्रॉब्लम है सी वाली प्रॉब्लम है एंड पाइथन वाली प्रॉब्लम के कोड है राइट तो मैंने तीनों कोड ऐसे भी कराया है उस पर समझाया है तो तुम इस कोड को पा जाओगे ऐसे करके ठीक है अब तुम क्या करोगे इस पर आके इधर तुम देख सकते हो कॉपी बटन है कॉपी कर लो तो तुम देख सकते हो अप्रोच पे जाओगे तो तुम्हें ए वाला लॉजिक जो मैंने कराया था वो मिल जाएगा सिंपल सा है तुम ऐसे देख सकते हो ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको कॉपी कर लेंगे इस पर पे आके पेस्ट करेंगे आईडी पे पेस्ट कर दो ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे तुम्हें पता है कि जो लॉजिक क्या था लॉजिक था कि वन वाली रो पे मतलब जो वन वाली कॉलम है उस पर तो स्टार्ट पैटर्न प्रिंट होने ही वाला है राइट बट पहले देखते हैं ये वाला चलता है या नहीं चलता है तो पहले राउंड कोड कर लो ओके तो ए वाला पैटर्न अब तुम देख सकते हो तो ए वाला पैटर्न तो प्रिंट हो रहा है बट ये देखने में तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बोलोगे कि भैया इसको थोड़ा खूबसूरत बना दो सिंपल सा एक काम कर लो तुम इधर आओ इधर एक काम करो ऐसा करके प्लास्ट कर दो ठीक है वैसे तो वो भी बटरफ्लाई पैटर्न है बट उसको थोड़ा तुम डेकोरेट कर सकते हो ऐसे करके तुम इसको मल्टी कर्सर से भी कर सकते थे मैंने इधर बस ऐसे करके दिखा रहा हूँ जब जब स्टार है एंड स्पेस है इसके बीच तुम एक प्लास्ट लगा के कॉन्टेनेट बोलते हैं इसको कॉन्केटनेट कर लो और उसके साथ एक स्पेस को अटच कर लो ठीक है ऐसा हो गया अब तुम क्या करोगे रन कोट कर लोगे ठीक है देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है राइट right? एकदम सेम है इसके बाद हम क्या करेंगे इधर जो स्टार्ट था ना इसको रिमूव करना है हमें राइट right? तो लॉजिक क्या था जो वन वाली कॉलम है इस पर स्टार्ट ट्रेंड होगा और वन टू थ्री फोर मतलब जो आई वाली ई जिसको पॉइंट कर रहा है उस पर स्टार प्रिंट होगा सिंपल था तो मैं क्या करने वाला इसको इसको ऐसे ही रहने देते हैं इप लिखना है मुझे इफ हम एक कंडीशन लिखने वाले हैं कंडीशन क्या था अगर जे इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन हो जाता है तब स्टार प्रिंट करना है और हमें स्टार प्रिंट करना है कब जे जब आई पे है राइट right? आई मतलब जो लास्ट वाली रो है तो देख सकते हो टू थ्री फोर इधर स्टार प्रिंट होगा और इधर जो मिड वाली पार्ट है इसमें स्पेस प्रिंट होगा तो मैंने ऐसे एक लॉजिक लिखा है इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पार्ट पे जाओ इल्स पार्ट पे जाने के बाद एक काम करो इस पर स्पेस प्रिंट करवा दो सिंपल है इसके साथ एक स्पेस के साथ एक और एक स्पेस को प्रिंट करवा दो सिंपल था लॉजिक सिंपल है अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर लो और नहीं तो ऐसा कर लो अब हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे और जिधर जिधर कॉलम वाली स्टार की जो लॉजिक है उस पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे ए वाला लॉजिक इधर पेस्ट हो गया इधर स्टार मिल रहा है मुझे इधर पेस्ट हो गया इधर स्टार मिल रहा है मुझे इधर भी मैंने पे पेस्ट कर दिया अब इसको रन करके देखो इसको रन करके देखो तो आपने भैया कुछ गलती कर दिया तो मैंने क्या गलती किया वो देखते हैं जे इज़ इक्ल टू इज इक्ल टू आई जो स्टार था वो तो ठीक है तो तुम देख सकते हो मैंने इधर प्रिंट एलिन किया है राइट इसको प्रिंट कर दो तो मैंने ए वाला गलती किया है राइट तो तुम जाके इधर जाके प्रिंट कर दो सिंपल सा एक सिली मिस्टेक था तुम्हें पता है कि प्रिंटेलिन बस इधर आके होता है राइट जब ए वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे जब आता है तब प्रिंटेल होता है तो तुम ऐसे करके राउन कोड कर दो हो जाएगा देख सकते हो हो गया अब जो टास्क है वो टास्क क्या है तुम इधर आओगे इधर आने के बाद C++ वाली कोड को कॉपी करोगे और ए वाला जो लॉजिक है इस इसपे इंप्लीमेंट करके दिखाओ और जो जो पाइथन में कर रहे हो बोलो इधर आओ इसको कॉपी कर लो और इस इसपे इस वाली लॉजिक को इंप्लीमेंट करके दिखाओ वैसे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड मैं ऑलरेडी कोड दे दूंगा ठीक है तो तुम जाके उस कॉपी कोड करके तुम चला सकते हो बट पहले खुद से ट्राई करो अगर नहीं होता है फिर तुम कोड को कॉपी कर सकते हो ठीक है तो मैंने तो ऑलरेडी लॉजिक समझा दिया है तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो कॉमेंट में डाउट पूछ सकते हो बट मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा ठीक है थीके? और सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगता है और प्ले को फॉलो करना तो चलो बाय